पूछ लिया जा सकता है कि बहुत बड़ा एग्जाम ही पूछ सकते हैं कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर होते हैं। तो एक बहुत ही आसान क्वेश्चन आ जाएगा आपके लिए, बहुत ही आसान होगा कि ओलंपिक खेल प्रति चार वर्ष पर होते हैं। अच्छा एक चीज और आ जाता है कि पहला ओलंपिक खेल कब हुआ, मतलब ओलंपिक खेल तो चले आ रहे हैं ना, हर चार साल पे चार साल पे चार साल पे हो रहा ओलंपिक खेल हर चार साल पे हो रहा, लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि सबसे पहले ओलंपिक खेल कब हुआ, ओलंपिक खेल सबसे पहले कब हुआ था। तो ओलंपिक खेल सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ओलंपिक खेल सबसे पहले ये एथेंस में आयोजित किया गया था। एथेंस क्या है, रोम की राजधानी है। एथेंस क्या है, रोम की राजधानी, रोम के एथेंस शहर में। तो सबसे पहले ओलंपिक खेल कब और देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको हल्के मत लीजिएगा, आ सकता है और ये बार बार आया हुआ है। भाई सब लोग ओलंपिक रख लेते हैं, 2020 में यहाँ होगा, 24 में होगा, 28 में होगा, लेकिन पहला वाला लोग नहीं ध्यान देते, भूल जाते हैं। तो जो पहला ओलंपिक खेल होगा, पहला जो हुआ था, सबसे पहले जो हुआ था वो एथेंस में हुआ था, एथेंस में हुआ था। और कब हुआ था, 1896। समझ लो कितना समय हो गया, 1896 से 1996, 100 साल हो गए ना, 1996 से अब कितना चला गया, 122 साल हो गए, मतलब 122 साल पहले ओलंपिक खेल क्या हुए, प्रारंभ हुए थे। 122 साल पहले ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी और एथेंस शहर से शुरुआत हुई थी। ये प्रश्न ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं, देखिए एक चीज आता है फीफा, ये लिखा रहता है ऐसे फीफा, बहुत लोग इसका मतलब नहीं समझ पाते, फीफा क्या है, फीफा इसका मतलब है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा, फीफा फॉर फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ये नेशनल लेवल पर होता है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन है, एक एसोसिएशन है, एक संगठन है जो कि फुटबॉल के खेल को प्रति चार वर्ष पर विश्व स्तर पर आयोजित करता है और इसका हेडक्वार्टर जो है ज्यूरिख में है, स्विट्जरलैंड में। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछ लें, मुख्यालय फीफा का जो मुख्यालय है ये ज्यूरिख के कहां पर, ज्यूरिख शहर के स्विट्जरलैंड बहुत ही कहते हैं ये पृथ्वी का स्वर्ग है। और एक थोड़ा सा मैं आपको एंटरटेन कर दूं, लोग हनीमून जिनके पास पैसे हैं, लोग अपने हनीमून मनाने स्विट्जरलैंड जाते हैं, कहते हैं स्विट्जरलैंड पूरी धरती का स्वर्ग है और भारत का स्वर्ग कहते हैं तो कश्मीर को कहते हैं, अगर पूरी दुनिया का स्वर्ग की बात आती है तो स्विट्जरलैंड का नाम आ जाता है, स्विट्जरलैंड का नाम आता है। तो मैं फीफा की बात कर रहा था, फीफा का जो हेडक्वार्टर है ज्यूरिख में है, पहले फीफा समझ लो यार, फीफा कर देता बोल देता है
कि फीफा द्वारा आयोजित विश्व अंतरराष्ट्रीय विश्व फुटबॉल मैच 2020 का कहां होगा या ऐसा होगा पूछ लेता है ना, तो ये आपको समझना जरूरी, पहले फीफा समझ लिया आपने, तो फीफा समझ लिया। अच्छा फीफा का वर्ल्ड कप, अब पूछ लेगा फीफा का वर्ल्ड कप। अच्छा लाइट आ गई है, लक्ष्मी जी का आगमन है, बहुत बहुत कृपा उनकी मेरे ऊपर। और फीफा वर्ल्ड कप में बात करूं, अच्छा एक थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूंगा, माफी चाहूंगा, बीच में मैंने बोल दिया था शीतकालीन ओलंपिक खेल एक बार कहीं बीच में मैंने बोल दिया था कि रूस में होंगे, मैं क्षमा चाहूंगा। वो जो फीफा का जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है 2018 में, बस 2018 में वर्ल्ड कप होने जा रहा है, फीफा का जो वर्ल्ड कप हो रहा है वो रसिया में होगा, रूस में। फीफा का जो वर्ल्ड कप है मतलब कह सकते हैं आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल विश्व कप, अंतर्राष्ट्रीय विश्व फुटबॉल कप या फीफा का विश्व फुटबॉल कप, फीफा का विश्व फुटबॉल कप 2018 में